since I fell in love, but after last time. आज हम शूट करेंगे अपना नया चेस्ट वर्कआउट. कहाँ गए हमारे एलवान जी? रोड टू ग्रो पार्ट टू, चेस्ट वर्कआउट इन द मेकिंग. ठीक है, तो जनरली बॉडी बिल्डर्स को अपनी लोअर चेस्ट को आइसोलेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. दे आर नॉट एबल टू गेट थ्रू द लोअर चेस्ट. ठीक है, पूरी बैक को कैसे स्टेबिलेट करें बिफोर द ग्रोथ. ठीक है, गंदी वीडियो है सर. स्टार्ट करें. सो ये है रोड टू प्रो पार्ट टू 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 टू. आज हम करेंगे चेस्ट वर्कआउट. रक्ष जी के साथ सर, चेस्ट कैसे डेवलप करें, रॉ बॉडी बिल्डर्स चेस्ट को कैसे ट्रेन करते हैं, हाउ टू रियली मेक अ चेस्ट ग्रो इन योर ऑफ सीजन, लाइक क्या क्या होना चाहिए, हाउ टू डिजाइन अ वर्कआउट. लाइक मोस्टली सारे हेड ट्रेन आए, तीन हेड होते हैं चेस्ट में. बीच वाला हेड जिसको कहते हैं स्टर्नल हेड, ठीक है, नीचे वाला हेड इसको कहते हैं स्टर्नोकोस्टल हेड, एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली क्लेविकुलर हेड. सो तीनों हेड को कैसे प्रॉपरली टारगेट करें, बैक मेजर, बैक माइनर, लोअर अपर चेस्ट जिसको हम कहते हैं, पूरे को स्टेबलेट करके दिखाएंगे आज हाउ टू रियली वर्क आउट योर चेस्ट. एंड ये थे हमारे प्रो बॉडी बिल्डर. तो आज बीपी लो लग रहा है आपका, आई गेस नहीं आज. सो लास्ट टाइम क्या हुआ था, इन्होंने एक्चुअली कैफीन का ओवरडोज कर लिया था, तो ही लाइक उनका रेस्टिंग हार्ट रेट वाज अराउंड 141-142, ओवरडोजेस कैफीन पे थे. सो आज प्रॉपर प्री वर्कआउट मिल लिया इन्होंने, प्लस कैफीन भी नहीं उतारा है ज़्यादा बॉडी के अंदर. सो आज करेंगे एक हार्डकोर चेस्ट वर्कआउट. सारे ट्राई कीजिएगा इस वर्कआउट को, एंड डू गिव मी अ रिव्यू लाइक कैसा लगा आपको चेस्ट वर्कआउट. मैक्सिमम नॉलेज शेयर करने की कोशिश करेंगे, नो बुलशिटिंग अराउंड, रियल नॉलेज, प्योर नॉलेज. एक्सरसाइज का बेसिक रीजन क्या है कि हम पूरी चेस्ट के मसल फाइबर, बेसिकली मसल फाइबर्स होते हैं पूरी चेस्ट में ऊपर से नीचे तक, हम पूरी चेस्ट के मसल फाइबर को पहले आइसोलेट करेंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टू द चेस्ट वर्कआउट. इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमारा पूरा चेस्ट में ब्लड सर्कुलेशन अंदर आएगा और उसको ग्रोथ के लिए एक नए लेवल पर स्टेबिलिटी मिलेगा. सो यप, हियर वी गो, स्टार्ट ऑफ द वर्कआउट. सबको करना क्या है, गिव इट अ सिट, 45 डिग्री एंगल पर बैठेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड इन द मिरर. आपकी एक लेग एंड दिस लेग दोनों 90 डिग्री पैरेलल होगी. यू कैन होल्ड द बार, ठीक है, चेस्ट अप, स्कैपुला इरेक्ट एंड मूव इट फॉरवर्ड. यू गॉट अ स्क्वीज, पूरा स्क्वीज फील करना है अंदर की तरफ. ठीक है, बेसिकली जो स्टर्नल हेड है, अगर आप हाथ लगाएंगे तो पूरी चेस्ट ऊपर से नीचे तक पूरे फाइबर्स फील होने चाहिए. एंड देयर यू गो, 1, 2 आज हम करेंगे बिकॉज आई एम गोना ट्रेन रक्ष. सो रक्ष की आप देख पा रहे हैं जैसे लोअर चेस्ट थोड़ा वीक है, जनरल इश्यूज होता है बॉडी बिल्डर्स के साथ कि लोअर चेस्ट वीक रह जाती है सबकी, एंड सब लोग कोई कहते हैं कि गाइनो कैसे निकलेगा, वाटर लॉस कैसे रहेगा, ये कुछ नहीं होता. आपको सिर्फ अपने नीचे वाले हेड को, जैसे लोअर चेस्ट है, दिस इज कॉल्ड लोअर चेस्ट स्टर्नोकोस्टल हेड, इसको सिर्फ आपको प्रॉपरली हिट करना है, ट्रेन करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, बार डिप्स से स्टार्ट करेंगे वर्कआउट को और सिंपली बार डिप्स पे एंड करेंगे. दैट्स इट, लाइक इससे सिंपल टेक्निक टू हिट योर चेस्ट मैक्सिमली, ये साइड वाला क्लेविकल बनाने के लिए इज द बेस्ट. सो डन, एंड वी गोना स्टार्ट विद द वर्कआउट. Guess I didn't know it went this way. One drink too much and I could see your face. Why did I let you go? Incline bench press, हम सिर्फ incline 30 डिग्री पे सेट करेंगे बिकॉज जो मैक्सिमम चेस्ट एक्टिवेशन होती है वो 15 से 30 डिग्री पे होती है. ऐसा कुछ नहीं होता कि अपर चेस्ट को इससे हिट करेंगे, मीडियल को इससे, पूरी ही चेस्ट हिट होती है, मेजर माइनर आता है, बट जो मैक्सिमम पार्ट है जो चेस्ट का जो एक्टिवेशन होती है 30 डिग्री पे होती है. सो वी आर गोना सेट इट टू 30 डिग्रीज एंड वी आर गोना मूव फॉरवर्ड टू द डंबल प्रेसेस. वॉश अवे, लेट इट वॉश अवे, cuz आई डोंट वांट टू फील द पेन, लव जस्ट लेट मी गो, cuz आई डोंट वांट टू फील द पेन ऑफ होल्डिंग ऑन एंड कीपिंग स्ट्रांग. सो नाउ आई एम मूविंग ऑन. Let me go.
फ्लोर प्रेसेस जैसे कि अभी मैंने करके दिखाया, वन ऑफ द बेस्ट एडिशन टू योर वर्कआउट। अगर आपको चेस्ट को सबसे ज़्यादा ग्रो कराना है, शोल्डर पे जोर नहीं डालना। जनरली बच्चे करते क्या हैं कि बेंच यूज़ करते हैं, तो उनके चेस्ट से ज़्यादा शोल्डर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। सो हमें करना क्या है, फ्लोर पे लेटेंगे प्लेन, ठीक है, एंड रेंज ऑफ मोशन जब एल्बो यहाँ से पहले टिक जाती है, पहले रुक जाती है, तो रेंज ऑफ मोशन बेसिकली सारा चेस्ट के लिए रह जाता है। सो हम क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, विल पुश इट आउट टू द टॉप, ठीक है, एंड विल स्क्वीज इट एंड होल्ड फॉर 2 सेकंड एंड देन स्लो डाउन। अब इसका एक और बेनिफिट होता है, ये प्लेट्यू ब्रेक करने में भी हेल्प करेगा आपको, अगर आपकी चेस्ट प्लेट्यू हो रखी है, ठीक है, तो ट्राई दिस आउट, ठीक है। सो आपकी चेस्ट का जो प्लेट्यू है लगेगा, अगर आप 100 किलो बेंच लगा पा रहे हैं तो 150 पे जाना है, तो ऐड दिस ताकि सिर्फ चेस्ट ट्रेन होए, चेस्ट स्ट्रेंथन होए, ठीक है, एंड आई विल शो यू अराउंड हाउ टू डू इट बाय टेलिंग यू पीपल। टॉप एंड स्क्वीज होल्ड ऑन द टॉप एंड स्क्वीज योर स्टर्नल हेड जितना पॉसिबल हो सकता है टाइट, एंड स्क्वीज ब्रेक थ्रू योर चेस्ट प्लेट्यू। फ्लोर प्रेसेस द मोस्ट अंडररेटेड, द मोस्ट अंडरन एक्सरसाइजेस। Let me go, 'cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go. Time wash away every feeling.